चार महापूर्व हुई हत्या के मामले में राजीनामा का दबाव बनाने के लिए फायरिंग, युवक को लगी गोली। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के बसई नीम गांव में बीती रात 2 बजे हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपियों ने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिससे युवक के हाथ में गोली लगने से वह घायल हुआ है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। गोली लगने से घायल हुए युवक कन्हैया पुत्र राम खिलाड़ी ने बताया कि चार महापूर्व गांव के विजेंद्र पुत्र केदार और रामधन पुत्र सुल्तान के साथ रामधन के भाई राम रूप ने अभेद चम्मल बजरी निकालने के दौरान उनके घर के शौचालय को तोड़ दिया था, जिसको लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई थी। मारपीट में गोली लगने से घायल हुए युवक कन्हैया का ताऊ रामेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसने ग्वालियर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। बीती रात को इसी मामले में राजीनामा का दबाव बनाने के लिए फायरिंग की गई है, जिससे युवक के हाथ में गोली लगी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमारा पुराना 4 महीने पहले रट्टा हुआ था उनसे, मतलब बेमन से झगड़ गए थे रेत के चक्कर में, हमारा गटर फोड़ दिया था उनने, उसमें हमारे ताऊ जी ने के लग गई थी और 3 दिन इलाज चला, हमारे ताऊ जी ने का एक्सपायर हो गए थे उस रट्टे के बाद। फिर 4 महीने बाद कहते जी फिर दूसरा हमला कर दिया उनने, कहते दो बजे के 10 मिनट पर कहते हैं गोली दे रही, मेरे हाथ में लग गई हूँ, नीचे पानी पीए जा रहे हैं। कौन लोग? रामधन सनप कहते सुल्तान और रामरूप सनप कहते सुल्तान, दोनों भाई मेरे को पहचान में आ गए हैं और 7-8 लोग और थे। हमारे यहाँ कई प्रकार के नामी ब्रांड के कपड़े बाजार की कीमत से सस्ती रेट पर मिलते हैं, जल्दी आइए और खरीदिए ब्रांडेड कंपनी की जींस, पैंट, टी शर्ट, दूल्हे के कपड़े एवं शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, बच्चों के भी कपड़े उपलब्ध, हर ब्रांड के कपड़ों पर अलग अलग डिस्काउंट, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। डी स्क्वायर शोरूम, विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी धौलपुर।